देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री में वापसी हो चुकी है, ये हम सभी को पता है। और जो सिद्धू के फैंस हैं, जो उनकी कमेंट्री के फैंस हैं, उन्हें कल सिद्धू की शेर व शायरी सुनने का एक बहुत सुनहरा मौका मिला जब महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के स्टेडियम में बल्लेबाजी करने उतरे। जी हाँ, कल मुकाबला चल रहा था चेन्नई वर्सेज कोलकाता का, जो कि चेन्नई ने बड़ी आसानी से जीता। पर उस मुकाबले में एक बहुत बड़ी हाईलाइट ये रही कि महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई के फैंस ने बल्लेबाजी करते हुए देखा, क्योंकि हर मैच में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए, बड़े डाउन ऑर्डर जाते हैं तब तक मैच खत्म ही हो जाता है। तो कल जब महेंद्र सिंह धोनी उस पीले स्टेडियम में, क्योंकि चेन्नई का मुकाबला था, चेन्नई के फैंस थे हर जगह, जब महेंद्र सिंह धोनी वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो सिद्धू, जो कि तब कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, उनकी शेर व शायरी सुन के इतना मजा आया उनके फैंस को कि ट्विटर पे तो उनके लिए बौछारी हो गई ट्वीट्स की। मैं अब आपको बताता हूं कि जब महेंद्र सिंह धोनी उतरे तो सिद्धू ने कहा क्या। सिद्धू ने कहा कि देखिए, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और महेंद्र सिंह धोनी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। धोनी की एंट्री के वक्त सिद्धू ने अपनी कमेंट्री की शुरुआत कुछ इस ढंग से की, और कहा उन्होंने कि और देखिए बाहर कौन आ रहा है, देखो भाइयों, शोर का मीटर पे ध्यान रखें, अब देखना जितना जन समूह है सब खड़े हो जाएंगे, आवाज़ ऐसी होगी जैसे बिजली कड़क रही है, इंद्रदेव खुश हो गए हैं। जी हाँ, ये सारी बातें सिद्धू ने कही जब महेंद्र सिंह धोनी कल चेन्नई के लिए बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, आखिरी कुछ लास्ट की 2-3 बॉलों के लिए। अब देखिए, ये सुनने के बाद जो सिद्धू के फैंस थे उन्हें बड़ा अच्छा लगा और ट्विटर पर बौछार हुई, और इसी पल का हमें इंतज़ार था। जब इतना बड़ा खिलाड़ी मैदान पर खेलने के लिए उतर रहा है तो जो हमारे एक लेजेंडरी कमेंटेटर है वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हों, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सारी ऐसी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कंट्री पर।